डियर साइलेंस, कैसी हो? जानता हूँ इस बार थोड़ा लेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह तो तुम ही हो। क्योंकि मैंने तो लेटर तो लिखा था, पर तुमने तो रिप्लाई ही नहीं दिया। ओ, अब बताओ कि गलती किसकी, मेरी है या तुम्हारी? तुम तो मुझसे बोली थी कि हर लेटर का तुम रिप्लाई दोगी, पर अभी एक महीने से ज़्यादा हो गए, तुमने तो अभी तक रिप्लाई ही नहीं दिया। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं तुमको अक्सर साइलेंस बोला करता हूँ। मानता हूँ कि मैं इस खामोशी की अक्सर वजह बना करता था, लेकिन अब वो हालात पुराने नहीं रहे। अब तुम मेरे पास नहीं हो, अब वो रूठना मनाना उस तरह मुमकिन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। जब हम पास हुआ करते, तब तुम अक्सर मेरे पास आकर बैठकर मेरे हाथों को जोर से पकड़कर मुझसे बोला करती थी कि मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे गलती नहीं होगी। और भी कई तरीके तुम अक्सर मुझे मनाने के लिए अपनाया करती थी, पर मैं तुम्हारे साथ बदमाशी किया करता था ना मानकर। अच्छा बताओ, क्या तुमको एक बात याद है? एक बार जब मैं गुस्सा हो गया था तुमसे, तो तुम मुझे एक गाना सेंड की थी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मैं वो गाना सुना और ना चाह के भी मैं तुमसे नाराज़ ना रह सका। अगले ही मिनट मैंने तुम्हें रिप्लाई दिया और तुम उस रिप्लाई के बाद तुम मेरे ऊपर ज़ोर ज़ोरों से हंसी। मैं पूछा कि क्यों हंस रही हो, तो तुमने कहा कि एक और नेहा कक्कर और टोनी कक्कर का फैन जन्म ले लिया। तो मैंने भी हंस कर कह दिया, हाँ पैदा तो हुआ है लेकिन तुम्हारे बाद, क्योंकि सेंड तो तुमने ही किया था गाना। ऐसे और भी कई सारे लम्हे हैं हमारे बीच में जो ना चाह के भी हम भूल नहीं सकते। क्या करें, बहुत याद आती हो तुम हमें। जानती हो कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ हुआ था। मैं एक रास्ते से निकला और एक घर की ओर नज़र अचानक से पड़ गई। वो घर तुम्हारा था। उस घर के चारों तरफ रोशनी थी, पर वो तुम्हारा पुराने घर में अंधेरा सा छाया था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस अंधेरे से छाए हुए घर पे पड़ी, मेरे दिमाग में हमारी यादों की रोशनी सी छा गई। जैसे ही वो यादों की रोशनी मेरे दिमाग में छा गई, मैंने अपने झट से पलकों को बंद किया और तुम्हारा चेहरा पाया। तुम्हारे चेहरे